शेफ जब खाना बनाते हैं तो खाने वाले को टेस्ट के साथ साथ उनकी स्पिरिट का भी अंदाजा लग जाता है। हर डिश रिफ्लेक्ट करती है उनके पर्सनालिटी के साथ साथ उनके शहर की सभ्यता को, उनके कल्चर को। एंड दैट इज व्हाई बीइंग अ शेफ कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हेलो एंड वेलकम टू वीबा कुक ऑफ पावर्ड बाय दावत बासमती राइस और टाटा संपन्न, जहां हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 11 नए ऐसे शेफ्स जो निभाएंगे इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरी तरह से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस एक्साइटिंग चैलेंज को, मिलते हैं कंटेस्टेंट से। मेरा नाम जसकीरत है, मैं रिजवी कॉलेज से होटल मैनेजमेंट कर रहा हूँ। गुरुद्वारे में सेवा करते करते मुझे कुकिंग का शौक चढ़ गया और वहीं से मैंने डिसाइड कर लिया कि कुकिंग को अपना करियर बनाना है। मुझे लगता है ये शो से मुझे बहुत फायदे होंगे, मेरे को एक इंडस्ट्रियल के लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। मेरा नाम राहुल गुरुबख्श रामदानी है। कुकिंग के पैशन के पीछे एक लंबी कहानी है। मेरे फादर का एक रेस्टोरेंट हुआ करता था एड्रेसाबाबा में। ये शो मेरे लिए काफ़ी मैटर करता है क्योंकि ये शो करके मुझे एक्सपोजर तो मिलेगा ही, पर मेरे पापा का जो रेस्टोरेंट का जो सपना है उसे पूरा करने की शुरुआत मैं यहाँ से कर सकता हूँ। मेरा नाम ऋषिकेश प्रसन्न गोखले है। जब मैं 9th स्टैंडर्ड में था तब पीटर गिलमोर नाम के एक शेफ़ ने स्नो एग नाम की एक डिश बनाई थी। उस डिश को देख के मुझे लगा कि मैं भी कुछ ऐसे नई डिश इन्वेंट कर सकता हूँ। तब से मैंने कुकिंग को अपना पैशन और करियर बनाने का सोच लिया। कॉलेज लेवल पे ये अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत ही बड़ी बात है, ये हमारे करियर को एक पुश स्टार्ट जरूर देगी। अब बारी है इन्वाइट करने की हमारे जजेस को। जो हमारे पहले जज हैं उन्होंने अपनी मेहनत, अपनी लगन और टैलेंट से हम सभी शेफ्स के लिए एक बेंचमार्क क्रिएट किया है। फिर चाहे बात हो उनके लॉन्गेस्ट रनिंग शो खाना खजाना की या फिर अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में लाने की। प्लीज वेलकम ऑल आवर इंस्पिरेशन पद्मश्री अवार्डी शेफ संजीव कपूर। हमारे अगले जज ने अपनी हॉबी को ही अपना प्रोफेशन बनाया है। शेफ मूवी में सैफ अली खान को उन्होंने ही ट्रेन किया था और आज यहाँ हमारे शेफ्स जो कंटेस्टेंट्स हैं उनके साथ अपना एक्सपर्टीज शेयर करेंगे। प्लीज वेलकम द सेल्फ मेड एंड सुपर टैलेंटेड डायरेक्टर ऑफ कल्नरी सेंट रीजस शेफ हिमांशु तनेजा। जो हमारे अगले जज हैं वो कहते हैं कि ना तो वो नास्तिक है ना तो आस्तिक, बट है सार्कास्टिक। खाने की हर चीज उन्हें पसंद है और उनके शो टका टक में उन्हें लोगों को हंसाना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए वेलकम करते हैं आरजे हर्षित को फ्रॉम रेडियो सिटी। तो चलिए अब शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आई विल क्विकली रन ओवर द कॉन्टेस्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो कॉन्टेस्ट में सबसे पहले जैसा कि आप देख रहे हैं आपके पास है एक मिस्ट्री बॉक्स, इसके अंदर है कुछ मिस्ट्री इंग्रीडियंट्स। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को शेफ्स इन्हें इस्तेमाल करना है, दे कैन नॉट लीव आउट इवन वन ऑफ दोज इंग्रेडिएंट्स। इसके साथ साथ आपको मिलेगा एक्सेस टू आवर पैंट्री, जिन्हें आप यूज करके अपनी डिश तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट। डिश कंप्लीट होने के बाद आप लाएंगे उसे हम जजेस के पास, हम टेस्ट करेंगे एंड द वर्डिक्ट विल बी गिवन कि इस राउंड में कौन वो दो कंटेस्टेंट्स हैं जो अगले राउंड में जाएंगे। शुड वी बिगिन? तो सबसे पहले खोलते हैं ये मिस्ट्री बॉक्स ऑन द काउंट ऑफ 3, 2, 1। तीनों कंटेस्टेंट्स मिस्ट्री बॉक्स के खुलने पर दिखे कंफ्यूज्ड। आखिर बैंगन, फिग और पास्ता को किस तरह से एक साथ और एक दूसरे के साथ बनाया जाए? मैं ये सोच रहा था कि क्या बैंगन के भरते में ये सब कुछ पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ कि पास्ता में भरता पड़ेगा या अंजीर का हलवे में भरता बनेगा, क्या होगा ये? तो चलिए आपके 30 मिनट शुरू होते हैं अब। जल्दी से मैं पैंट्री की तरफ गया, मस्कापोन चीज उठाया, फ्रेश फिग्स थोड़े और ले लिए, शक्कर ली। बैंगन का भरता बनाने के लिए मेरे को टाटा का लाल मिर्ची पाउडर और कोरिएंडर पाउडर की जरूरत थी, तो मैंने पैंट्री में जाके वो चीजें उठा ली। पहले फ्रिज में मैंने सर्च किया बेजिल के लिए, लेकिन वहां पर मुझे कुछ मिला नहीं। तब मैंने देखा कि वहां पर टाटा संपन्न का रेड चिली पाउडर रखा था, तो वो मैंने उठाया। उसके साथ मैंने मोजरेला चीज उठाया और थोड़े माइक्रो ग्रीन्स उठाए गार्निश के लिए। मैंने अपना बैंगन को भुनने रख दिया था, साथ में मैंने बाजरे की रोटी के लिए भी
पानी उबालने रख दिया था ताकि मेरा डो फटाफट बन जाए। पैंट्री से सामान पिकअप करने के बाद जैसे ही मैं प्लेटफॉर्म की तरफ गया, मैंने बैंगन को राउंडल्स में काटा, उसे 1/4 किया और नमक और लाल मिर्च पाउडर से मैरिनेट किया। सबसे पहले चीज मैंने की वो था अपना एक प्लांट वीबा सिराचा हॉट सॉस में मैरिनेट करना था। उनको जैसे ही मैंने मैरिनेट करके रखा, मैंने थोड़ा पार्मेसान चीज ग्रेट कर दिया और उसका पार्मेसान क्रिस्प बनने के लिए ओवन में डाल दिया। पास्ता था हमारे पास, उसको कुक किया, उसको चॉप किया और मैंने गार्लिक चिली सौते किए, उसके बाद उसमें टमेटोज और उसमें थोड़ा पोर्टोबेलो मशरूम्स डाला जिसमें पास्ता यूजुअली कुक करते हैं, उसके लिए पसाटा नाम का इटालियन सॉस आता है डाला। मैंने अनियन और टमाटो को काटना शुरू कर लिया था अपने बैंगन के लिए। साथ साथ में मैंने पास्ता भी बॉईल करने रख दिया था। दो बैंगन के स्लाइस लिए, उसमें मैंने मोजरेला चीज को वीवा के मैरिनारा सॉस में डिप करके उसे कवर किया। फिर मैंने मैदा, एग्स और ब्रेड क्रम्ब से बैंगन के फ्रिटर्स की कोटिंग बनाई और फिर मैंने डीप फ्राई किया। फिर अनियन गार्लिक चॉप करके मैंने उसे सौते करने डाला। फिर मैंने वीवा का पास्ता और पिज्जा सॉस डाला, उसमें मैंने पेने को डाला और टॉस किया। ऋषिकेश और राहुल ने इटालियन क्विजीन की ओर कदम रख दिया है, लेकिन जसकीरत बना रहे हैं इंडियन क्विजीन, जिससे जजेस भी थोड़ा सोच में पड़ गए हैं। अभी सारी चीजें आप मिस्टीरियस ही लग रही है या लग रहा है कुछ कोई रिजल्ट के बहुत करीब आ गया है? वो इंडियन वाला थोड़ा मिस्टीरियस लग रहा है, बाकी तो समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। शैलो फ्राइंग पैन में मैंने ब्रेड क्रम से कोट किए ब्रिंजल या एग प्लांट्स डाल दिए टू मेक देम क्रिस्प। आधा समय बीत चुका है, हाफ टाइम इज ओवर। टाइम को लेकर मैं इतना प्रेशर में था कि एक सिंपल सा चीज का पैकेट भी मुझसे खुल नहीं रहा था। टाइमिंग की बात हम कर रहे थे और टाइमिंग मतलब ऐसी चीज होती है जो पुरानी कॉमिक्स में ना बहुत यूज करी गई है। अब मैंने परमाणु पढ़ी है, डोगा पढ़ी है, अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी उनमें ना ऐसे कैरेक्टर्स को लिखा पढ़ी है हमने, हमने टिंटिन पढ़ी है, आर्चीज पढ़ी है, चाचा चौधरी साबू, चाचा साबू के भी उसमें था कि अगर मैंने चाचा जी को बचाने के लिए एक सेकंड का 100वां भाग भी गवाया होता तो चाचा जी आज चले गए होते। एक सेकंड का 100वां भाग भी गवाया होता, ध्यान से सुनिए, एक सेकंड का 100वां भाग भी नहीं गंवा सकते आप। जो फ्रेश फिग्स थे उनको मैंने कैरमलाइज किया एक कास्टर शुगर के साथ, फिर मैंने एक सॉस बनाया हंकर्ड मस्कापोन चीज और थोड़ा सा क्रीम लेके उसमें शिफोनाद किए हुए मिंट लीव्स डाल दिए। 10 मिनट बचे, जो कर रहे हो उसे फिनिश करना शुरू कर दो, ऐसा ना हो आपकी डिश में आपने मेहनत बहुत किया लेकिन कम्प्लीट ना कर पाए। अच्छा, ये बैंगन का ये आपने भून लिया इसको? हाँ जी। अच्छा, पास्ता नहीं था यहाँ पे? पर रेडी है। पास्ता रेडी है? हाँ जी। ओके, पास्ता सैलेड बनाऊंगा। हाँ? पास्ता का सैलेड बनेगा जिसमें हमारा कचुंबर जैसा बनता है। हाँ? वही तरीके से बनाऊंगा। अच्छा, ये होगा कि हाँ? उसमें हमने मिस्ट्री बॉक्स में जो पास्ता है वो होगा। हाँ? और हल्की सी मिठास के लिए जागरी भी डालूंगा। ओके, और साथ में बैंगन का भरता के साथ बाजरे की रोटी सर्व करूंगा जैसे लेबनीज में सर्व करते हैं। ओके, बाबा गनोश पीटा ब्रेड हमें उसी तरीके से। तो इटालियन इंग्रेडिएंट कुछ हैं उसको इंडियन स्टाइल में करोगे? हाँ जी। इंडियन भरते को लेबनीज उसमें करोगे? हाँ जी, बट खाने का टेस्ट इंडियन ही रहेगा। मैं कुकिंग कर ही रहा था कि संजीव सर मेरे पास आए, उन्होंने मुझसे थोड़ी सिंधी में बात की, ये जानकर मुझे थोड़ा अच्छा लगा, मेरा थोड़ा स्ट्रेस कम हुआ। हाँ जी, छा खपे? हाँ, मुझे बसर खपे। बसर खपे बट कटी करे उनके पास्ता में विजंदम। हाँ, बसर ए थूम बिनिन के विजी करे सौते कंदम उनमें पास्ता ठाईंदम उनके वीबा सॉस सा उनमें कोट करी करे उनके सर्व कंदम। आई थिंक ये बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, फिग्स के साथ में ग्लॉस ग्लेज बड़ा अच्छा है, सारी चीजें कंबाइन कैसे होती हैं उस पर डिपेंड करेगा। यस सर, इट्स कुकिंग वेरी गुड, इट्स कुकिंग वेरी नाइस। थैंक यू सर, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। गोखले जी, काय चाल रहा है? आता आम्ही वांग्याचं आणि पास्ताचं असं एक कॉम्बिनेशन बनवतोय, एक प्लांट पार्मेजान सारखं, आणि मग मी ते मस्काबोन चीज आणि हंकर्डच्या आणि कॅरमलाइज फिग्स बरोबर सर्व करणार आहे। देखिए, जो हमारा शो है सर्वगुण संपन्न है, सब भाषाओं के लोग आ रहे हैं, डिशेज अलग अलग जगहों से आ रही हैं, अलग अलग तरीके हैं, मिस्ट्री इन्ग्रीडियंट्स हैं, ऐसी चीज़ें हैं जो पहले कभी नहीं बनी हैं, यही तो मज़ा है। क्रिएटिविटी कहाँ से शुरू होती है, कहाँ ख़त्म होती है पता नहीं चलता है, नई नई चीज़ें, और ये जो स्टूडेंट्स हैं इनका कॉन्फिडेंस, जसकीरत, आके देखिए यही कॉन्फिडेंस चाहिए। 2 मिनट बचे हैं कंटेस्टेंट्स, राहुल, ऋषिकेश, जसकीरत। शेफ का अनाउंसमेंट आया कि 2 ही मिनट बचे हुए हैं,
तो मैंने फटाफट अपनी प्लेटिंग शुरू कर ली थी। प्लेटिंग में मैंने पहले एक स्लाइस एग प्लांट का जो मैंने फ्राई किया हुआ था, उसके बीच में जो मैंने पसाता में पास्ता बनाया था वो वापस एक एग प्लांट का स्लाइस, वापस पास्ता और ऊपर लास्ट एग प्लांट का स्लाइस जिसपे मैंने पार्मेसान चीज डाला था। गाइस काउंटडाउन बिगिंस। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 That's it. शेफ हिमांशु, किसकी डिश आप पहले टेस्ट करना चाहेंगे? ऋषिकेश की। जब मैं अपने प्लेट्स लेके जजेस के सामने जा रहा था तो वैसे मैं कॉन्फिडेंट था, लेकिन सिर्फ एक ही मुझे शक था, मेरी बर्ड्स आई चिलीज जो मैंने डाली थी, जो काफी तीखी होती है अपने नॉर्मल चिलीज के, कि वो ज्यादा मेरी डिश तीखी ना हो जाए। जैसे ही जजेस ने मेरी डिश टेस्ट की, अचानक से संजीव सर उठ गए और सेट के बाहर जाने लगे। फिर वो अचानक से मुड़े, मेरे पास आए, मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट किया, फ्लॉलेस डिश है, कमेंट्स दिए, हक किया, दैट मेड माई डे। उससे ज्यादा अच्छी चीज मुझे आज तक कुछ भी नहीं हुई थी। बेटा ऐसा खाना बनाते रहोगे, एज ए स्टूडेंट मेहनत करोगे, दुनिया में बहुत अच्छा नाम होगा। रियली रियली प्राउड ऑफ यू। थैंक यू मच। परफेक्ट सीजनिंग, परफेक्ट क्रंच, परफेक्ट एग्जीक्यूशन, क्लैरिटी ऑफ थॉट एट दिस एज, वेल डन, वेल डन। राहुल, चलिए आपकी डिश को टेस्ट करते हैं। जब मैं अपने डिशेस जजेस के पास लेकर जा रहा था, मन में काफी टेंशन चल रहा था। आपका जो एवोकाडो डिप है, आई लव्ड इट, आई लव्ड योर कैरमलाइज्ड फिग्स, लेकिन फ्रिटर्स में मजा नहीं आया, पास्ता मुझे थोड़ा कच्चा लगा। सारे एलिमेंट एक्सेप्ट फ्रिटर टेस्टिंग वेरी गुड। माय फीडबैक इज दे आर नॉट जेलिंग टुगेदर, वी ऐड एलिमेंट्स टू कॉम्प्लीमेंट द मेन डिश, इट्स गुड बट एक उभर के अच्छी डिश नहीं आ रही है। जो आपने बैंगन के साथ में किया conceptually बहुत अच्छा है, unfortunately हम आपको फिग और एवोकाडो डिप पे जज नहीं करेंगे। जसकीरत जी, तुहाडा की होगा, टेस्ट करें आपका डिश, चलिए लेकर आ जाइए। मैं जब भी प्लेट लेके जा रहा था, मैं लास्ट पर्सन था, तो मेरे को बहुत नर्वसनेस थी कि मेरा खाना कैसा होगा, जजेस को कैसा लगेगा, क्योंकि बाकी दोनों ने इंडियन फूड डे मनाया था, पर मैंने अपना खाना इंडियन ही बनाया, सोचे कि सारे इंग्रेडिएंट्स इंडियन है तो मैंने मेरे से अच्छा बन सकता है। फ्यूजन फूड जो होता है ना, जो ट्रेडिशनल फूड को टेढ़ा मेढ़ा करके मॉडर्न बना देते हैं, मुझे कभी कभी इरिटेशन होती है उससे, पर आपने जो फ्यूजन आज किया मुझे बहुत अच्छा लगा, बिकॉज समवेयर दैट देसी टेस्ट इज स्टिल देयर। दो दिक्कत मुझे यहाँ पे आ रही हैं। आपको मिस्ट्री इंग्रेडिएंट मिला लियोनार्डो ऑलिव ऑयल, आपने उसको पूरा मास्क कर दिया मक्खन से। दूसरा, आपके पास में वेरी स्वीट फिग्स थे जिसकी आप क्वांटिटी बढ़ा के वो स्वीटनेस नेचुरल इसमें ला सकते थे, लेकिन आपने फिर गुड़ का इस्तेमाल किया, तो वहां पे थोड़े नंबर कटे हैं, अदरवाइज वेरी लाइकेबल डिश। थैंक यू सर। थैंक यू। बहुत आसान है जो अगले राउंड में जाने वाले हैं, उनका नाम है वेलकम बैक टू वीबा कुक ऑफ पावर्ड बाय दावत बासमती राइस और टाटा संपन्न। जहां एक तरफ ऋषिकेश को मिली जजेस की तारीफें, वहीं दूसरी तरफ राहुल और जसक्रीत दोनों की डिशेस जजेस को पूरी तरह से इंप्रेस नहीं कर पाए। वीबा कुक ऑफ के अगले राउंड में अब कौन आगे बढ़ेगा, आइए देखते हैं। बहुत आसान है दो में से एक जो अगले राउंड में जाने वाले हैं, ऋषिकेश कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। अगर
डिश टू डिश कंपैरिजन किया जाए, आई वुड से कि राहुल की डिश जसकीरत से बेटर थी। अगले राउंड में जो ऋषिकेश के साथ में जाएंगे, उनका नाम है जसकीरत। डिश आपकी बेटर थी, अगले राउंड में वो जा रहे हैं, क्योंकि आपने जो दो चीजें अच्छी बनाई वो आपने प्लेट में रखी नहीं। गेम के रूल ऐसे ही हैं, हमें अच्छा नहीं लगता। हम चाहते हैं बेस्ट टैलेंट अगले राउंड में जाए। नो डाउट आप सारे लोग टैलेंटेड हो, लेकिन टैलेंट और हार्डवर्क साथ साथ चलते हैं, और जब टैलेंट हार्डवर्क करना भूल जाता है तो हार्डवर्क जीत जाता है। कॉन्ग्रेचुलेशंस जसकीरत, कॉन्ग्रेचुलेशंस ऋषिकेश, थैंक यू राहुल, थैंक यू भाई, वेल डन। एलिमिनेट होने का दुख तो है मुझे, लेकिन एक बात सीखने को मिली कि टाइम मैनेजमेंट और प्रॉपर प्लानिंग के बिना कुछ नहीं हो सकता, और ये बात मुझे अपनी आगे की जिंदगी में याद रखनी है। दूसरा राउंड अब शुरू होता है, यार दिस इज द डिसाइडिंग राउंड। यहाँ आप बनाएंगे आपकी विनिंग डिश। एक बार फिर आपको क्विकली रूल्स बता दूं, मिस्ट्री बॉक्स नए मिस्टीरियस इंग्रेडिएंट्स के साथ अब आपके सामने पड़ा है। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को इस्तेमाल करके आपको बनानी है आपकी अगली डिश। उसके लिए लाइक ऑलवेज यू विल हैव एक्सेस टू आवर पैंट्री। उन इंग्रेडिएंट्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी डिश में, पर याद रखिए आपके हीरो इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए ये जो मिस्ट्री बॉक्स में निकलेंगे वो। उसके लिए आपको मिलेंगे 30 मिनट। So on the count of 3, you will open the mystery box. 3, 2, 1. तो जैसे ही मैंने वो मिस्ट्री बॉक्स खोला, मैं टोटली कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि उसमें जो इंग्रेडिएंट्स आए थे वो इतने अलग 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 टेक्सचर्स फ्लेवर्स के थे कि उनको पेयर करना तो मेरे लिए बहुत ही मुश्किल साबित होने वाला था। जब भी मेरा दूसरा मिस्ट्री बॉक्स खुला, तभी मेरे दिमाग में एक डिश ऑलरेडी आ चुकी थी, पर मैं थोड़ा एक कंफ्यूजन था एक इंग्रेडिएंट की वजह से, वो थी वीबा की एगलेस मियो। मेयोनेज़ है, क्रीम है, दूधी है, रंबुतान जो स्वीट फ्रूट होता है, गुड़ है और आमंड। मेयोनेज़ गलत है। यही चैलेंज है फाइनल राउंड में, मजा यही है। कंफ्यूजन काफी होगा, क्योंकि हमें कंफ्यूजन हो रहा है, हमें डर लग रहा है। अभी शुरू करें? यस मैम। चलिए शेफ, गिव देम द यस मैम। नहीं नहीं, चलिए दिखाएंगे कि हम करके दिखा सकते हैं अच्छा कुछ, हां विनिंग डिश बना सकते हैं। चलिए जसकीरत, ऋषिकेश, आपके फाइनल राउंड के 30 मिनट शुरू होते हैं अब। जैसे मैं पैंट्री की तरफ दौड़ा, मैंने उधर ड्राई आइस देखी, तो मैंने सोच लिया कि भाई अभी तो आइसक्रीम बनाना ही बनाना है, क्योंकि एकदम झटाक से आइसक्रीम बन जाती है उससे। तो मैंने वो ठान लिया, मैंने जल्दी से दो चार फ्रेश फ्रूट्स लाइक बेरीज ले ली, शुगर ले लिया उसको स्वीटनेस लाने के लिए। पैंट्री में गया, मैं बहुत कंफ्यूज था, समझ नहीं आ रहा था कि ये उठाओ कि क्या उठाओ। ऋषिकेश वापस पहुंच चुके हैं किचन काउंटर पे, और जसकीरत भी। जसकीरत बहुत तेजी में लौकी छीलते हुए, दूसरी तरफ ऋषिकेश हमारे पैन लेकर के पता नहीं क्या करना चाहते हैं, जीवन में कंफ्यूजन बहुत हो रखा है। सो हाँ, मुझे लगता है कि इस बारी मैच थोड़ा टफ होने वाला है। आसमान में नीले नीले बादल छाए हुए, बारिश का कोई आसार नहीं। दूसरे छोर से ऋषिकेश एक लाल सी मशीन लेके आ गए हैं। जब भी मैं दूधी ग्रेट कर रहा था, तभी संजीव सर ने मुझे आवाज लगाई। यही ग्रेटिंग, अगर ये स्टैंड ग्रेटर है उसको चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रखो फिर ग्रेट करो, जल्दी होगा, सेफली होगा। सबसे पहले मैं बनाने लगा आइसक्रीम, उसके लिए मैंने पहले तो बनाया क्रेम ऑंग्लेस का बेस, जो है अंडे का योग, शक्कर और कोकोनट क्रीम यूज करके, ताकि ये हेल्दी लोग भी खा सकते हैं क्योंकि उसमें ज्यादा फैट्स नहीं होते। 10 मिनट हो चुके हैं, आई होप आप लोग करेक्ट डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर मैंने आइसक्रीम बना के, ड्राई आइस था जिसमें मैंने वो बोल रखा जिससे वो फटाफट फ्रीज होने लगी, उसको हर थोड़ी देर बाद मैं उसको विस्क करते रहा और मैंने उसको फ्रीजर में रख दिया। यार देखो, मैं जब से यहाँ आया हूँ ना, मतलब मेरी भूख जागती जा रही है, और मैं जसकीरत के पास हूँ। पाजी, हाँ जी, क्या बना रहे हो? दूधी का हलवा बना रहा हूँ। दूधी का हलवा? हाँ जी। विश यू ऑल द बेस्ट ब्रो। थैंक यू। और अभी देखो, क्योंकि जसकीरत जो है बहुत कॉन्फिडेंट है और बहुत ज्यादा टेस्टी, एक स्मेल भी आ रही है यार। मैंने तो बहुत सारे वर्ड सीखे, स्क्रम्शियस, लिप स्मैकिंग। अभी ऋषिकेश के पास चलते हैं, देखते हैं भाई अपना क्या कर रहे हैं। ऋषिकेश भाई, क्या हाल है? ये दूधी के साथ तुम क्या करने वाले हो यार?
दूधी का मैं बनाने वाला हूँ ट्वील। दूधी ग्रेट करके उसको ओवन में डिहाइड्रेट करने के लिए लगा दिया। फिर जैगरी था हमारे पास, जैगरी से मैंने कैरमल बनाया, उसमें थोड़े फ्लेक्ड आलमंड्स डाले और उसमें जो डिहाइड्रेट किया अपना दूधी था वो डाल दिया और उससे मैंने एक ट्वील बनाया जो डिश के सबसे ऊपर जाता है। जसकीरत जी शेफ, की बन रहा है? दूधी का हलवा। जैगरी डाल दिया आपने? हाँ जी, उसमें ही पकाऊंगा, उसी में। अच्छा, अगर वो पिघले नहीं बाद में तो दैट कैन बी अ इशू फॉर मी। मैं अपना डेजर्ट बनाने में लगा हुआ था कि अचानक संजीव सर आ गए और उन्होंने मुझे पूछा कि क्या बना रहे हो ऋषिकेश। सो आई एम मेकिंग अ सेवरी डेजर्ट, मेयोनेज से मैं आइसक्रीम बना रहा हूँ। मेयोनेज से आइसक्रीम बना रहे हो? हाँ। आर यू सीरियस? यस शेफ, मैं घर जा रहा हूँ। फिर वापस आया और मुझे कहा, आई लव द कॉन्फिडेंस कि मेयोनेज से आइसक्रीम बन सकती है। मेयोनेज के साथ में आइसक्रीम बना रहे हैं ऋषिकेश, आइडिया अच्छा है, एकदम ब्रेव है। ओके ऋषिकेश एंड जसकीरत, 10 मिनट बचे हैं। रेस में फिनिशिंग लाइन तक पहुंचना बहुत जरूरी है। टू विन यू हैव टू बी इन। इन तो आप आ गए, अब फर्स्ट भी आना है। मुझे लगा कि अब मेरे डिश बनाने के जो भी एलिमेंट्स लगते थे वो सारे मेरे लगभग हो चुके हैं। फिर मेरे को याद आया कि बेस था जो क्रम्बल का, वही मेरा बचा हुआ है। तो मैं फटाफट रबिन मेथड से बटर और मैदे का थोड़ा क्रम्बल बनाया, उसमें थोड़ा थाइम डाला और वो ओवन में बेक करने के लिए जल्दी से डाल दिया। दो मिनट बचे हैं कंटेस्टेंट्स। जैसे मैंने वो क्रम्बल ओवन से बाहर निकाला और उसको मैंने टेस्ट किया, मुझे पता लगा कि सारी भागदौड़ में मैं उसमें शुगर डालना ही भूल गया हूँ। इसलिए मैंने जुगाड़ लगा के थोड़ी सी शुगर ऊपर से स्प्रिंकल कर दी और फिर मैं अपने अगले एलिमेंट बनाने के लिए शुरुआत कर दी। जब मैं प्लेटिंग कर रहा था तो मैंने अपना क्विनेल बनाया दूधी के हलवे का, मेयो एंड बेरी का मिक्सचर को पाइप किया। आखिरी एक मिनट, क्योंकि मेरा आइसक्रीम था इसलिए आइसक्रीम सबसे लास्ट में जाने वाला था, तो जो बाकी के सारे एलिमेंट्स थे जैसे क्रम्बल हुआ, कॉम्पोट हुआ, ऊपर का जो टॉफी था मैंने बनाया हुआ आलमंड्स और दूधी का, वो हुआ, वो मैंने सारे प्लेट में ब्यूटीफुली सजा के रख दिए। आखिरी 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, that's it. All right, ऋषिकेश, लेके आइए। जब मैं वो प्लेट्स लेके गया जजेस के सामने टेस्टिंग के लिए, तो मैंने जो गरम पानी थाइम के साथ बनाया था वो मैंने खाली ड्राइस पे डाल दिया टू गिव इट अ थिएट्रिकल इफेक्ट। बहुत बड़ा रिस्क लिया है ऋषिकेश, खतरों से खेलने की आदत है आपकी। एक्चुअली जब आप बना रहे थे हमने देखा और हमने कहा इसमें अब शायद चीनी डाल रहे हैं क्रम्बल में, लेकिन भूल गया। तब एक्चुअली दोनों शेफ में कंफ्यूजन हो गया था। एनीवे रिस्क लिया है, देखते हैं क्या होता है। थैंक यू। ओके जसकीरत, अपनी डिश लेके आइए प्लीज। जब मैं अपनी प्लेट जजेस के पास लेके जा रहा था मेरे को बहुत नर्वसनेस हो रही थी। Interesting. Very good. Thank you. फाइनल राउंड में जसकीरत और ऋषिकेश का मुकाबला है बिल्कुल टक्कर का, जहां एक तरफ है जायका वहीं दूसरी तरफ है टेक्निक और फिनेस। दोनों ही कंटेस्टेंट्स से बात करने के बाद शेफ संजीव का मुस्कुराता हुआ चेहरा ये जरूर बयां कर रहा है कि वीबा कुक ऑफ शो का मकसद कहीं ना कहीं सार्थक हो रहा है। बता दिया जाए कि आज का विनर कौन है, टेस्ट या टेक्निक? Welcome back to Viva Cook-Off, powered by Dawat Basmati Rice or Tata Sampann. ऋषिकेश ने मेयो आइसक्रीम बनाकर लिया है रिस्क और जसकीरत ने बनाया है दूधी का हलवा विद अ ट्विस्ट। फाइनल राउंड में किसकी मेहनत रंग लाएगी और किसका टैलेंट सर चढ़कर बोलेगा, आइए देखते हैं। हम सब ने मिलकर डिसीजन ले लिया है और डिसीजन में जाहिर सी बात है एक विनर है और विनर के लिए ढेर सारे चीजें, प्राइजेस, ट्रॉफी आपके लिए, उसके साथ साथ एक सर्टिफिकेट
वीबा की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, दावत की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, मेरी कुछ किताबें, टाटा संपन्न की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, वंडर शेफ का कुकवेयर और हमारे गिफ्टिंग पार्टनर हैं डिवोटी। बता दिया जाए कि आज का विनर कौन है, टेस्ट या टेक्निक? जसकीरत, कमाल की डिश, इनको आपके हाथ का हलवा बड़ा पसंद आया अमृते जी को। ऋषिकेश, आपने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, आधे घंटे का समय, कोई भी जीत सकता आप में से। दोनों एक्सपीरियंसेस, प्रेजेंटेशन, टेस्ट बहुत बढ़िया। आज के इस वीबा कुक ऑफ पावर्ड बाय दावत बासमती राइस और टाटा संपन्न के फिनाले में विनर हैं ऋषिकेश। क्या चल रहा है दिमाग? घबराहट हो रही है। घबराहट हो रही है। जसकीरत, पसीने छूट रहे हैं। आज के विनर का नाम है ऋषिकेश। कांग्रेचुलेशंस शेफ, कुछ बोलना चाहेंगे? ये डिश मैं अपने मेन्यू में डालने वाला हूँ। वाओ, क्या बात। अवार्ड विनिंग शेफ अगर ऐसा कहें कि अपने मेन्यू में डालना चाहते हैं, तो उससे बढ़िया किस्मत नहीं हो सकती इस स्टेज पे लाइफ में। थैंक यू जसकीरत, यू डिड रियली वेल। भले ही मैं ये कॉम्पिटिशन जीत नहीं पाया, बट मुझे इतने बड़े शेफ के सामने एक एक्सपीरियंस मिला जो वंस अ लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है, जो सबको नहीं मिलता। थैंक यू सो मच जजेस, थैंक यू वीबा कुक ऑफ। विनर को बीबीसी गुड फूड इंडिया मैगजीन की एक साल की सब्सक्रिप्शन फ्री। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। देखिए ना किस तरह से आज के विनिंग शेफ ने रिस्क ली, येट रिस्पॉन्सिबल कुकिंग की। हमें तो बहुत मजा आया। जो हमें तो बहुत कुछ सिखाते हैं, आई एम श्योर उससे आप भी बहुत इंस्पायर होते हैं। यस, सो अंटिल वी मीट अगेन इन द नेक्स्ट एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ वीबा कुक ऑफ पावर्ड बाय दावत बासमती राइस और टाटा संपन्न, दिस इज अमृता रायचंद सिंह। गुड बाय।